हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। होप यू गाइस एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस, इस वक्त हम अलीपुर चट्ठा में भी, आप लोगों ने नाम सुना हो तो हम अलीपुर चट्ठा में हैं। और अलीपुर चट्ठा आने की वजह ये थी कि हमारा जो मेरे दोस्त हैं गांव में, उनका एक दोस्त है जो कि अलीपुर चट्ठा से है, और उन भाई साहब का के कोई लिंक है, मतलब उनके कोई दोस्त हैं जिनका ये फ़िश फार्म है। आपको नज़र आ रहा होगा अभी, आप लोगों में भी वो बीच नज़र आ रहे हो, ठीक है। वो सब अपने अपने फिशिंग के लिए बैठे हैं। अब मुझे तो वो इंग्लिश में पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग, फिश स्ट्रिंग शायद, हमारे यहाँ पंजाबी में कहते हैं खुंडी। तो खुंडी लगा के सब अपनी अपनी जगह बैठे हुए हैं, कोई हम 8 लड़के हैं, ठीक है। बाकी बात बाद में करता हूँ, आप अभी क्या करो, सीन इंजॉय करो, क्योंकि फ़िश फार्म काफ़ी कमाल का बना हुआ है। कुछ मेरे साथ हैं, बाकी सब आगे पीछे गए हैं अपने अपने फिश पकड़ने, मछली पकड़ने। तीन ये है कि थोड़ा सा बैड सीन है, अभी तक सिर्फ इतनी ही पकड़ी है हमने, अभी थोड़ा और वेट करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह बेहतर करेगा, अभी हमें और इंशाल्लाह मछली का दाना मिलेगा। बस यार, मछली का दाना ही होता है ना, है ना, दाना दाना, हाँ मछली का दाना होगा। अच्छा, मैं भी आप लोगों ने नोट किया कि भाई, भाई ने बड़ी जुल्फ़े रखी हैं, मतलब अभी जुल्फ़े बन रही हैं आजकल। वाकई मैं ना ज़रा अपना स्टाइल चेंज करने के चक्करों में हूँ, बाल सेट तो नहीं होते मेरे से अभी, तो इतने लंबे किए हैं तो मुश्किल हो जाती है, अभी आगे जाके पता नहीं क्या होगा। लेकिन मैंने ज़रा सोचा हुआ है कि यार थोड़ा स्टाइल चेंज करें, ज़रा जाहिर सी बात है स्टाइल चेंज करना चाहिए। और तभी मैं आपको ना थोड़ा सा ना, ये जहाँ पे फार्म हाउस है ना, इसका थोड़ा सा ना टूर कराता हूँ आपको। एज़ यू कैन सी, बड़ा कमाल की एंट्रेंस बनी हुई है, और यहाँ भी पार्किंग है। ये हमारी गाड़ी, इस पर हम आए हैं, और इसी गाड़ी पे हम टूर पे भी गए थे। जितने हमने टूर किए हैं ना अभी तक, 2 किए हैं, दूसरा तो चलो हमने आई एस में किया था ना, बट इस गाड़ी पे हम पहले टूर किया था हमने। वो जर्मन शेफर्ड भी बैठा हुआ है, ये आप देख रहे हो, सब हिरन बैठी हुई हैं, ठीक है। अब मुझे देख के ज़रूर भागेंगे, सब बैठी हैं बच्चों के समेत। सुबह में आया था, सुबह यहाँ पर नहीं बैठे हुए थे, अभी ये बैठे हैं सारे। दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम, मैंने इनको देखा है, पहले नहीं कभी देखा। यहाँ पर कुछ इन्होंने बर्ड्स रखे हुए हैं, परिंदे भी रखे हुए हैं इन्होंने, आप देख सकते हो। ये सब इनके पिंजरे हैं, और यहाँ पर भी सारे पिंजरे हैं, मोर भी है इनके पास, हैंस भी इनके पास हैं। ये भी सारा इनका ना, ये वो आप बैक साइड पे जो देख रहे हो ना, वो सब है इनका, ये डियर्स का ना, वो सब वहाँ पे आती हैं, और अपना जो भी उनका घर है वहाँ पर सब ठीक है। इधर शायद छाँव है तो इसलिए छाँव में आके बैठी हुई हैं। बाकी माशाल्लाह कमाल का एरिया यार, सीरियसली
यार बड़ा मिस करता हूँ मैं कि यार ड्रोन आ जाए। सेविंग तो कर रहा हूँ मैं, लेकिन ड्रोन आ जाए तो यार क्या हो जाता था। सही मैं ऊपर से व्यू लेता का ही कमाल होना था ना। खैर कोई बात नहीं, अभी मैं उधर जाके आप लोगों को जो भी सीन है फिर मैं दिखाता हूँ। होप सो कि अभी यार हमारे पास थोड़े ना दाने, फिश के दाने, मछलियों के दाने जो हमने 6-7 पकड़ी हैं वो बढ़ जाए। ले भाई, हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी माल मंत्र हमने पकड़ लिया। अब इंशाल्लाह इनको साफ़ करेंगे। अभी घर जाकर तो नहीं कुछ बनने लगा, क्योंकि अभी इनको साफ़ करना है, इनको जाकर फिर मसाला वगैरह लगा कर फिर इनका कल बारबेक्यू बनेगा। तो या आई थिंक सो कि मुझे यहाँ पे वीडियो अपनी एंड करनी चाहिए, काफ़ी देर हो चुकी है, 5 भी बज चुके हैं सुबह के, हम यहाँ पर बैठे हैं, थक भी चुके हैं सारे और काफ़ी मेहनत की है सब ने अल्हम्दुलिल्लाह, और मेहनत का फल भी मिल गया। तो ये थी मेरी वीडियो, होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। तो आपको मैं जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो में। सो बी हैप्पी, बी सेफ, दिस इज रिशान मायू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा आपके पास ना ये सब करने के लिए ना, फिशिंग करने के लिए आपके पास सब्र होना चाहिए, क्योंकि अगर तो आपके पास सब्र नहीं है तो भाई मैं तो आपको ये मशवरा दूंगा कि भाई आप फ़िशिंग ना करो, क्योंकि मुझ जैसे बंदे के पास भी सब्र नहीं है। ठीक है, लगा के तो एक दफ़ा मैंने फेंकी अंदर, बट वो नहीं लगी तो फिर मैंने निकाल दिया। मैं क्या, चलो जी साड़ी पास निकालनी है, असं अपना व्लॉग बनाते हैं।